भारत सरकार की ओर से सम्मानित गोरक्षा व्यसन मुक्ति पर्यावरण सर्वधर्म सद्भाव अहिंसा एवं राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश जी कश्मीर से कन्याकुमारी सहित पूरे देश में 70,000 किलोमीटर यात्रा कर कसरावत पधारे। जैन समाज द्वारा उनकी अगवानी कर भव्य स्वागत किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति विवेक जैन के निवेदन पर सब जेल कसरावत में नैतिक शिक्षा व्यसन मुक्ति एवं पर्यावरण संतुलन पर प्रवचन दिए। प्रवचन के दौरान बंदी भाइयों से व्यसन मुक्ति पर संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही अपने प्रवचन के दौरान बताया कि आपने जिसके प्रति अपराध किया है क्षमा भी उसी से मांगना पड़ेगी, वरना आप इस अदालत से तो बच जाओगे लेकिन ऊपर वाले की अदालत में उसे अपराध की सजा अवश्य भुगतना पड़ेगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। तो समझ लो आपका दिन दुना रात चौगुना विकास होता रहेगा। यदि आपने बीड़ी सिगरेट दारू पिया या खोटी चीजें ली तो आप बच्चे के मुंह से नवाला छीन रहे हैं और वो बदवा जब आपको किसी बुराई में देखेगा वो मासूम बच्चा देखेगा ये मेरा बाप कैसा है, ये कैसा है। जब बदवाएं निकलती है मैं कहूँ ये बताइए खुदा और भगवान यहाँ की कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया और वहां यदि हम अपराधी रहे तो वहां के गुनाह की सजा कौन नहीं पाएगा ये बता दो मेरे को। वहां न रिश्वत चलती है न जेब चलता है न चेक चलता है न रिश्तेदारी चलती है। गुनाह की क्या कर लेना माफी मांग लो। एक व्यक्ति खुदा के पास गया तो खुदा ने कहा मेरे से क्या तौबा करता है, जैसे गलती की उससे क्या कर वो तौबा में तेरे को माफ कर देगा तो मैं भी माफ कर दूंगा और वो माफ नहीं करेगा तो मेरे यहाँ पे माफी नहीं है। तो राजा दशरथ ने हिस्सा पे मेरा क्या कर लेगा, तो श्रवण मेरे पास सत्ता है शक्ति है पैसा है क्या कर लेगा। जो गलती को गलती स्वीकार करता है भगवान के घर पे सजा माफ हो जाती है और जो चोरी और छीना चोरी गलती पे गलती करता है उसको डबल सजा मिलती है। जानते हैं देखिए हमारा भारत देश संतों की भूमि रहा है और हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी आज हमारे बीच उपस्थित उनके चरण कमल हमारे परिसर में पड़े। हमारा उनके आने मात्र से ही मतलब हम बहुत लाभान्वित हुए। इसके लिए मैं माननीय न्यायाधीश महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे परमादरणीय गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार हम पर और हमारे जेल परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं माननीय न्यायाधीश महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं बंदियों की तरफ से जितने भी मैं जो भी निवेदन लेके जाता हूँ माननीय महोदय उसको तुरंत स्वीकार करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। आप लोगों के लिए जितने भी ये मेडिकल कैंप वगैरह सारे जो हो रहे हैं वो सर के आदेश ही हो रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे जेल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ और परम पूज्य गुरुदेव का मैं आज के लिए बहुत मतलब हम जीवन भर आभारी रहेंगे। मैं देख रहा था पूरे मतलब इतने मग्न होकर आपके अनमोल वचनों को सुन रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु जी आप आगे भी। नमस्कार कर मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ, आप लोगों से काफ़ी लोगों से मेरा परिचय भी है लेकिन आज जो गुरु महाराज साहब का जो उद्बोधन आपको मिला है मैं आप सबके चेहरे पढ़ रहा था, इसमें आप आधे से ज़्यादा लोग इतने गौर से सुन रहे थे। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक जन का भी जीवन आज इससे बदलता है तो गुरु महाराज का यहाँ आना आज सार्थक हो जाएगा और उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं गुरु महाराज से आग्रह करूँगा कि भविष्य में भी इस प्रकार का लाभ जो है अपने श्री चरणों का हमें देते रहें ताकि जिससे हम लोग और इन सब लोगों का भी उद्धार होता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।